देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है इन जनरल, है ना, इंटीग्रेशन 0 टू n स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट x dx, है ना, 0 टू n स्क्वायर। देखो ध्यान दो, n मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होगा, जो n है यहाँ पर ये कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ध्यान दो, देखो जैसे मान लीजिए अगर x फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 तक है तो, या 0 से 1 स्क्वायर तक है ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट एक्स क्या होगा, 0 से 1 तक होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ध्यान दो, मान लीजिए अगर एक्स 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर तक है तो अंडर रूट एक्स 1 से 2 होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर x 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो क्या होता है, हालांकि ये इक्वालिटी यहां नहीं आती है, है ना, ये इक्वालिटी यहां नहीं आती है, इस पर इक्वल नहीं लेना है, है ना, इस पर इक्वल नहीं लेना है, ठीक है, इस साइड पे इक्वल नहीं लेना है। तो क्या होगा, देखो अंडर रूट एक्स जो है ये 2 से 3 तक होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, है ना, तो राइट साइड में इक्वल नहीं लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में, लेकिन इंटीग्रेशन पर इक्वल लेने या ना लेने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इक्वल लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, इंटीग्रेशन में इक्वल का एक पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या होगा, अगर हम इसको ब्रेक करें इंटीग्रल 0 टू 1 स्क्वायर, ठीक है, तो देखो 0 टू 1 स्क्वायर में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर देखो ब्रेक करें 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर तक, है ना, तो इस केस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर देखो ब्रेक करेंगे 2 स्क्वायर से लेकर 3 स्क्वायर तक इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर लास्ट में जब हम ब्रेक करेंगे देखो इसको n माइनस 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक, तो इसकी वैल्यू n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगी। ध्यान दो, ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो गया, यहां पर ध्यान दो ये क्या आ गया 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 का इंटीग्रेशन 2x, x की जगह पर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना, इस तरीके से देखो यहाँ पर ये चलता हुआ चला जाएगा। इसके बाद देखो आएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, है ना, और इस तरीके से देखो लास्ट में ये हो जाएगा n माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट में x आएगा, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वैल्यू n माइनस 1 होगी, n माइनस 1, है ना, ये वैल्यू n माइनस 1 होगी, ठीक है, हर जगह देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर n माइनस 1 आएगा। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर चीजें सारी की सारी क्लियर फॉर्म में मिलेंगी कि आखिर यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। देखो क्या होगा, देखो जैसे ये आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, यहाँ पर देखो ये क्या है, जैसे ऐसा होगा यहाँ पर ध्यान दो क्या क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है 1 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 ब्रैकेट में 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो n माइनस 1 ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये 1 स्क्वायर है, ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये 1 इंटू 2 स्क्वायर, देखो ये इसको और इसको देखें, है ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कि अगर हम इसको इसको देखेंगे ध्यान से तो चीजें अपने आप ही प्लस माइनस होंगी, है ना, चीजें अपने आप ही देखो यहाँ पर प्लस माइनस होंगी, है ना, देखो जैसे ये क्या है, देखो प्लस का 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो माइनस का 2 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर देखो
यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो माइनस का 3 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 स्क्वायर, तो माइनस का 4 स्क्वायर यहाँ पर देखो बचेगा। ऐसे करके देखो यहाँ पर टर्म अपने आप ही एडजस्ट हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ से ये 2 स्क्वायर चला गया और यहां से ये माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर एडजस्ट होके ये बना। इसी प्रकार देखो यहां से ये 2 इंटू 3 स्क्वायर और माइनस का 3 इंटू 3 स्क्वायर एडजस्ट होके ये बना। फिर देखो यहां से क्या हुआ, 3 इंटू 4 स्क्वायर है ना, और माइनस का 4 इंटू 4 स्क्वायर एडजस्ट होके देखो यहां पर ये बन गया। इसी प्रकार देखो सारे के सारे टर्म यहां पर एडजस्ट होते जा रहे हैं, है ना। और देखो फाइनली क्या होगा इसमें, जैसे यहां पर देखो अगर हम इतने टर्म लें तो ये वाला टर्म पिछले टर्म के साथ देखो यहां पर एडजस्ट हो रहा है। इसी प्रकार देखो ये वाला टर्म भी पिछले टर्म के साथ में यहां पर एडजस्ट होगा। ठीक है, तो जब ये वाला टर्म देखो यहां पर एडजस्ट होगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये देखो बच जाएगा माइनस ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर, ये बच जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर ये वाला पहला टर्म रह गया है, ये रह गया क्या बोलो, माइनस वन इंटू वन स्क्वायर मतलब माइनस का वन रह गया। और देखो यहाँ पर ये रह गया है क्या, प्लस का एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन माइनस वन, देखो यहाँ पर ये टर्म रह गया। ठीक है, तो ये टर्म हमारा देखो यहाँ पर बच गया। ठीक है, इस देखो माइनस वन को हम इसके साथ लाएं तो इसको हम माइनस का वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, माइनस का वन स्क्वायर इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर माइनस का वन आया था, माइनस का वन इसके साथ में मिला करके माइनस का वन स्क्वायर लिख दिया। देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे देखो फायदा ये होगा, ये अपने आप ही एक सीरीज बन जाएगी। देखो ये वाली सीरीज है ना, ये अपने आप ही देखो इसमें एक सीरीज बन जाएगी। कौन सीरीज, माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये बन जाएगा वन स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n माइनस 1 का स्क्वायर, और देखो प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में n माइनस 1, ये है देखो। अब देखो जैसे हमको ये बात मालूम है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n माइनस 1 स्क्वायर, n की जगह पर n माइनस 1 रखो, n माइनस 1 n और 2n माइनस 1 बाई 6, देखो ये यहाँ पर हुआ। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर है, तो ये हुआ n माइनस 1 इंटू n और 2n माइनस 1 बाई 6, और देखो ये प्लस क्या हो गया n स्क्वायर ब्रैकेट में n माइनस 1, ये हमारे क्वेश्चन का पूरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। तो कई बार इन जनरल क्वेश्चन भी हमें करने पड़ते हैं, लास्ट में थोड़ा सा सीरीज समेशन में हमें सोचना पड़ गया कैसे किया जाए, अदरवाइज क्वेश्चन काफी इजी था। ठीक है, इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले यहाँ पर।